हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आई होप बढ़िया से होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और सुबह सुबह मैं अपनी छत पे आई थी भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने, तो मैंने सोचा कि यही समय है आपसे कुछ बातें कर लूँ। और काफ़ी समय हुआ था आपसे बातें कर किए, तो टाइम नहीं मिल रहा था। एक्चुअल में मैं अपने मायके गई हुई थी, शादी थी भतीजी की, तो अब वहाँ से लौटी हूँ तो बहुत सारा काम है गार्डन में भी और घर में भी, तो टाइम नहीं मिलेगा। मैंने सोचा सुबह सुबह आपसे बातें कर लूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लाई हूँ। एक्चुअल में मैंने ये वीडियो शूट किया था बसंत पंचमी वाले दिन, लेकिन मैंने डाला नहीं था क्योंकि उस समय मेरा चैनल स्पेशली गार्डनिंग का चैनल था, तो मुझे लगा कि शायद नहीं डालना चाहिए। और अब मैंने ब्लॉग कर दिया है तो मैंने सोचा आपको ज़रूर दिखाऊं। रामायण फ्रेंड्स एक ऐसा ग्रंथ जो हमारे रगों में रचा बसा है, शायद ही ऐसा कोई हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा हो जो ना जानता हो कि भगवान श्री राम कौन थे और मैया सीता कौन थी और रामायण से जुड़े हुए पात्र, उसकी घटनाएं और उसके स्थान हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हमारी नज़रों से छिपी हुई हैं, जिनको बहुत सारे लोग नहीं जान पाते। तो आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी वो एक ऐसी ही जगह का वीडियो है जो अपने आप में पौराणिक और ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र स्थल है। और मैं गई थी जब अपने मायके, तब मैंने शूट किया था, तो मैंने सोचा चलो आज आपको दिखाती हूँ। तो प्लीज़ वो लोग इस वीडियो को ना देखें जो सिर्फ 2 मिनट के लिए आते हैं और हाय बाय करके निकल जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो को आपके सामने लाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि आप कमेंट में बस नाइस वेरी नाइस करें, क्योंकि मेरा मकसद फ्रेंड्स इतना है कि मैं अपने पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों को जो लोगों की नज़रों से बच गए रह गए उनको आपके सामने ला पाऊँ। और एक ऐसी ही अद्भुत जगह है मेरे और मेरा मायका है उसके पास, तो इसलिए लेके आई हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरा देखिएगा और जो जो आपके फैमिली मेम्बर्स है प्लीज़ उनको ज़रूर दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी प्रसिद्ध ये रामायण है, भगवान श्री राम है, मैया सीता हैं, तो उनसे जुड़ी हुई जगहों का भी उतना ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो देखिएगा कि जब लवकुश हुए तो उन्होंने जो वनवास का समय व्यतीत किया उसमें वो उस मंदिर में रोज़ पूजा करने जाती थी, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। हाँ थोड़ा सा भी डामाडोल होगा कैमरा, क्योंकि दृष्टि के हाथ में था, वो ज़्यादा भीड़ भाड़ में थोड़ा सा अच्छे से संभाल नहीं पाती है, तो उसको माफ़ कीजिएगा। मेरा मकसद उस जगह को दिखाना है, तो देखिएगा और अपने रिलेटिव्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर दिखाइएगा। तो आगे वीडियो में कंटिन्यू करिए और चलती हूँ मैं आपको उसी पवित्र स्थल, उसी पवित्र मंदिर में जहाँ पर मैया सीता ने अपने हाथों से माता जी को स्थापित किया था। बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए माता जी के। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग कहाँ आ गए हैं? आज आए हैं हम लोग एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जगह, ये मंदिर है बंदी माता का, जो त्रेता युगीन बताया जाता है। कहते हैं कि जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या आए और राजा बने, तो कुछ लोगों के विरोध करने पर असंतुष्ट हो गए थे जो कुछ लोग, तो माता सीता का परित्याग जब किया गया तो उन्होंने अपने वनवास का अधिकतर समय यहाँ पास में परियल नाम की जगह है वहाँ काटा। और उसी दौरान माता ने अपने ही हाथों से इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है उसको स्थापित किया। तो उनके माता सीता के हाथों से स्थापित पवित्र मंदिर है और रोज सुबह वो यहीं अपना
यहाँ पूजा अर्चना क्रिया करती थी। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो गंगा मैया के तट पे बसा हुआ ये मंदिर है, देखिए गंगा मैया का सुंदर नजारा। और तो एक बार जोर से बोल लेते हैं जय गंगा मैया की। तो अब हम लोग चलेंगे मंदिर। चलो चले, तो चलो चले आगे देखिएगा, बहुत मजा आने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लाइक कुछ नहीं, पहले देख लेते हैं कि गंगा घाट कितने सुंदर बना दिए गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली अभी बनवाया है, पहले गंगा घाट कच्चे ही थे। देख लिया, तो चलो मंदिर चलते हैं हम लोग। हाय गाइस, अब आ गए हम लोग बंदी माता मंदिर। फ्रेंड्स, ये सामने आपको जो दिख रहा है ये जलकुंड है, जो हमेशा साल के 12 महीने इसी तरह भरा रहता है। ये गंगा जल है क्योंकि ये मंदिर गंगा जी के तट पर बना हुआ है। और थोड़ा सा कैमरा डामाडोल कर रही हैं दृष्टि, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। लेकिन ये मंदिर बहुत ही पौराणिक है, त्रेता युग का माना जाता है। कहते हैं माता सीता ने बंदी माता को अपने ही हाथों से स्थापित किया था और रोज़ वो इनकी पूजा किया करती थी। और ये भी मान्यता है कि ये देखिए आप सामने देख रहे हैं, भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति है। और नीचे जो अभी ये कैमरा नीचे आएगा तो देखिएगा, क्योंकि कैमरा बहुत अच्छे से सेट नहीं किया इसने। तो या मैं हाय कह रही हैं, हाय करते हुए आप सबसे। और फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे मेरा मुंडन हुआ था। तो यहाँ पे जो दृष्टि है, ये दृष्टि आपको नज़र आ रही है। और एक तरीके से ये हमारी कुल देवी हैं जो बंदी माता हैं। हमारे पूर्वज कभी यहीं रहा करते थे, यहीं के रहवासी थे। तो हमारे यहाँ के बच्चों का मुंडन यहाँ होता है। तो दृष्टि का भी मुंडन यहीं हुआ था जब ये छोटी सी थी, 7 महीने की। तो आज बहुत दिनों बाद हमें मौका मिला यहाँ आने का। आज मेरी भतीजी की इंगेजमेंट थी तो हम लोग यही आसपास ही आए थे। और फ्रेंड्स, आपको पता है इन्होंने जैसे ही मैं वैन में बैठी इन्होंने मुझे कैमरा पकड़ा दिया। तो हम लोग यहाँ आए तो हमने सोचा कि आज मौका मिला है 7-8 सालों बाद, तो क्यों ना माता के दर्शन किए जाएं। ये सामने आपको दिख रही होगी छोटी सी मूर्ति, कैमरा देखिए भी उधर हो गया। ये सामने जो चुनरी दिख रही है, ये छोटी सी मूर्ति, ये बंदी माता जी की है। और ये है जलकुंड जो त्रेता युग से कभी आज तक सूखा ही नहीं। फ्रेंड्स, ये मंदिर अपने आप में बहुत महत्व रखता है। तो अगर आप कानपुर से हैं, आसपास से हैं, तो एक बार यहाँ दर्शन के लिए ज़रूर आइएगा। और ये गंगा तट पर बसा हुआ पूरा इलाका है, रूरल एरिया है पूरा। और अब हम लोग जाएंगे यहीं पीछे भगवान भोलेनाथ का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो चलिए आप वहाँ उनके दर्शन करते हैं। बड़ा सा शिवलिंग है, इसमें इतना क्लियर दिखा नहीं, वैसे बहुत बड़ा शिवलिंग है ये। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लगभग उसी समय का, रामायण काल का ये भी माना जाता है। तो कानपुर से 40-42 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है, इसका नाम ही बंदी माता पड़ गया माता जी के नाम पर। लो जी, हम लोग आ भी गए। तो ये है बाबा भोलेनाथ का मंदिर, ये नंदी और ये बड़ा सा शिवलिंग। और ये देखिए बनावट से आप जान जाएंगे कितना प्राचीन ये मंदिर है। और ये चारों तरफ मैया गौरी, गणपति और जो मूर्ति होती हैं तो उनकी मूर्ति है। हम लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए। तो
मैं हम लोगों ने ये वीडियो इसलिए डाला क्योंकि मैं चाहती थी कि कानपुर के आसपास की जो पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर है हमें भी पता चले। तो फ्रेंड्स कभी अगर इधर अगर आप आसपास के हैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ज़रूर जाइएगा, इसका अपना अलग ही महत्व है इस मंदिर का। माँ सीता ने स्वयं स्थापित किया था इन मूर्ति को और बंदी माता के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में, तो मकसद यही था कि आप तब तक जानकारी पहुंचाई जाए, तो ज़रूर वीडियो देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और ये यहाँ पे